बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्य एजेंडों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों के पदों पे सृजन की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक महाविद्यालय में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन, प्रमोशन और नए पदों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। इन एजेंडों पर लगी कैबिनेट की मुहर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी और एमटेक डिग्री में नामांकन के लिए संस्थाई शिक्षकों को अनुमति और अवकाश की स्वीकृति मिली है। बिहार कास्ट और अन्य वन उत्पादन अभिवहन विनियम संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। गोपालगंज के भोरे में एक नए सब स्टेशन संचरण लाइन एवं हतुआ ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन में निर्माण के लिए 123 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में व्यवहार न्यायालय निर्माण एवं अन्य कार्य के लिए 33,85,83,000 की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा NITJAM प्रतियोगिता आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृति दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।